नमस्कार मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल योर्स वन टॉक में, जहां आपको मिलते हैं हर तरह के विषयों पर आधारित लाभदायक, ज्ञानवर्धक एवं मनोरंजन से भरपूर वीडियोज। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। मित्रों, भारत यानी विविधताओं का देश, जो कि प्रभु श्री राम की जन्मभूमि है और प्रभु श्री राम और उनके अनन्य भक्त श्री हनुमान जी के जीवन से जुड़ी अनेकों ऐसी छोटी बड़ी घटनाएं हैं जिन्हें हम आज भी उत्सव के रूप में मानते हैं। दिन है मंगलवार, पवन सुत सुन लो करुण पुकार, पवन सुत सुन लो करुण पुकार। जेठ महीना तपती गर्मी, जेठ महीना तपती गर्मी। दिन है मंगलवार, पवन सुत सुन लो करुण पुकार, पवन सुत सुन लो करुण पुकार। लखनऊ शहर में मनाया जाने वाला बड़ा मंगल का पर्व उन्हीं में से एक है। बड़ा मंगल 2024 में किस किस दिन पड़ेगा, आइए जानते हैं। साल का पहला और आखिरी बड़ा मंगल कब होगा, इसे बुढ़वा मंगल के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार दूसरा महीना वैशाख का होता है और तीसरा महीना जेठ का होता है, तो आने वाले 24 मई से जेठ महीना लग जाएगा, जो कि पूजा पाठ के लिहाज से बड़ा ही महत्वपूर्ण और शुभ माना गया है। नंगे पांव भगत आए हैं खड़े तिहारे द्वार, जय 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 बजरंगी कहते, जय 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 बजरंगी कहते, लंबी लगी कतार, पवन सुत सुन लो करुण पुकार, पवन सुत सुन लो करुण पुकार। जेठ महीना तपती गर्मी, जेठ महीना तपती गर्मी। दिन है मंगलवार, पवन सुत सुन लो करुण पुकार, पवन सुत सुन लो करुण पुकार। आपको बता दें, जेठ महीने में आने वाला प्रत्येक मंगलवार बड़ा मंगलवार कहा जाता है। आम बोलचाल की भाषा में इसे बुढ़वा मंगल भी कहते हैं। इस दिन हनुमान जी के वृद्ध स्वरूप की पूजा होती है। दोस्तों, इसके साथ ही अगर बुढ़वा मंगलवार के दिन भगवान राम की भी पूजा की जाए तो शुभ फल प्राप्त होता है। आइए जानते हैं कि जेठ माह में कब कब पड़ेगा बड़ा मंगल या बुढ़वा मंगल। दोस्तों, आपको बता दें कि इस दिन अधिकांश जगहों पे सुंदरकांड का पाठ होता है। इस साल जेठ महीने में चार बार मंगलवार पड़ेंगे। केसरी नंदन तेरा वंदन, महावीर का है अभिनंदन। केसरी नंदन तेरा वंदन, महावीर का है अभिनंदन। लाल लंगोटे वाले मेरा, लाल लंगोटे वाले मेरा, हो प्रणाम स्वीकार, पवन सुत सुन लो करुण पुकार, पवन सुत सुन लो करुण पुकार। जेठ महीना तपती गर्मी, एक तो मई में पड़ जाएगा, बाकी सब जून महीने में पड़ेंगे। पहला बड़ा मंगल 28 मई को होगा, दूसरा बड़ा मंगल 4 जून को होगा, तीसरा बड़ा मंगल 11 जून को और चौथा बड़ा मंगल 18 जून को होगा। इस दिन सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए और यदि हो सके तो हनुमान जी का व्रत रखना चाहिए और उस दिन आप शरबत का वितरण या फिर भंडारे का कोई आयोजन कर सकते हैं। इस आयोजन को आप किसी के साथ मिलकर भी कर सकते हैं। बड़ा मंगल का बड़ा ही धार्मिक महत्व है। देश भर में हनुमान भक्त जेठ महीने के बड़ा मंगल को बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में इसकी अलग ही रौनक देखने को मिलती है, क्योंकि बड़ा मंगलवार के पर्व के तौर पर मनाने की शुरुआत यहीं से हुई थी। सारे जग से न्यारा है, सारे जग से न्यारा है तेरा सच्चा दरबार, पवन सुत सुन लो करुण पुकार, पवन सुत सुन लो करुण पुकार। जेठ महीना तपती गर्मी, जेठ महीना तपती गर्मी। दिन है मंगलवार, पवन सुत सुन लो करुण पुकार, पवन सुत सुन लो करुण पुकार। पौराणिक कथाओं के अनुसार त्रेता युग में जब भगवान राम से हनुमान जी का मिलन हुआ तो उस दिन जेठ महीने का मंगलवार था। जब भी बड़ा मंगल की बात आई है
तो भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित लखनऊ शहर का वर्णन अवश्य होता है। बड़ा मंगल और लखनऊ से जुड़ी अनेकों ऐसी कहानी हैं जो काफी प्रचलित हैं। इन्हीं में से एक कहानी के अनुसार लखनऊ में एक व्यापारी रहता था जिसने हनुमान जी से मन्नत मांगी कि अगर उसका व्यापार चल गया तो वह बजरंगबली का बड़ा मंदिर बनवाएगा। उसने मन्नत के अनुसार हनुमान जी का भव्य मंदिर बनवाया। बड़ा मंगल से जुड़ी एक और दिलचस्प कहानी जानने के लिए आइए आपको हम इतिहास में लेकर चलते हैं। निर्भय करता नाम तुम्हारा, दूर भाग जाता भय सारा। भूत प्रेत तो थर थर कांपे, भूत प्रेत तो थर थर कांपे। सुन तेरी हुंकार पवन सुत, सुन लो करुण पुकार पवन सुत, सुन लो करुण पुकार। जेठ महीना तपती गर्मी, जेठ महीना तपती गर्मी। दिन है मंगलवार पवन सुत, सुन लो करुण पुकार पवन सुत, सुन लो करुण पुकार। 400 वर्ष पूर्व के लखनऊ शहर के साथ यह कहानी जुड़ी है जो कि मुगल शासन नवाब मोहम्मद अली शाह के जमाने की बताई जाती है। कहा जाता है कि नवाब मोहम्मद अली शाह की कोई औलाद नहीं थी, तब कुछ लोगों ने नवाब मोहम्मद अली शाह को अपनी बेगम के साथ लखनऊ के अलीगंज में स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर में जाने की सलाह दी और पुत्र प्राप्ति की मन्नत मांगने को कहा। इसके बाद नवाब और उनकी बेगम अलीगंज स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर गए। उन्होंने मंदिर में पूजा पाठ की और बेटा होने की दुआ मांगी। खाली हाथ न मैं जाऊंगा, बिना दर्स नहीं रह पाऊंगा। दया करो हे दया के सागर, दया करो हे दया के सागर। दर्शन दो एक बार पवन सुत, सुन लो करुण पुकार पवन सुत, सुन लो करुण पुकार। जेठ महीना तपती गर्मी, जेठ महीना तपती गर्मी। दिन है मंगलवार पवन सुत, सुन लो करुण पुकार पवन सुत, सुन लो करुण पुकार पवन सुत, सुन लो करुण पुकार पवन सुत, सुन लो करुण पुकार। 9 माह के बाद ही ज्येष्ठ के महीने में उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई, मगर पैदा होते ही उसकी तबीयत खराब हो गई। फिर एक रात सपने में बेगम को स्वयं हनुमान जी ने दर्शन देकर कहा कि इसी मंदिर में पीपल के पेड़ के नीचे खुदाई करो, वहां मेरी मूर्ति मिलेगी, उसे मंदिर में स्थापित करो। अगले ही दिन बेगम ने जब खुदाई कराई तो उन्हें श्री हनुमान की एक मूर्ति मिली जिसे उन्होंने उसी पेड़ के नीचे स्थापित करवा दिया। अगले कुछ ही दिनों में बेटे की तबीयत में सुधार हो गया और वह स्वस्थ हो गया। इसी खुशी में नवाब और उनकी बेगम ने अलीगंज स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर की मरम्मत करवाई। मंदिर का काम अगले ज्येष्ठ माह में ही पूरा हुआ। इसके बाद उन्होंने पूरे शहर में शरबत और बेसन की बूंदी का प्रसाद बांटा और हर किसी को भरपेट खाना खिलाया। कहा जाता है कि तभी लखनऊ शहर में हर ज्येष्ठ माह में बड़ा मंगल को मनाने की परंपरा चली आ रही है। इस दिन शहर का ऐसा कोई कोना नहीं होता जहां श्री हनुमान जी का भंडारा ना चलता हो। ज्येष्ठ माह के जितने भी मंगल होते हैं उनमें हर किसी को प्रसाद और भोजन वितरित किया जाता है। तो मित्रों, यदि आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक अवश्य कीजिएगा और यदि कोई सुझाव हो तो कमेंट करके अवश्य बताइएगा। इसी तरह के कई लाभकारी वीडियो को देखने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबा लें जिससे भविष्य में हमारे चैनल पर आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहे। तो हमारे चैनल से जुड़े रहें एवं और लोगों तक इस वीडियो को फॉरवर्ड करें जिससे इनका लाभ अधिक से अधिक लोग उठा सकें। तो मिलते हैं आपसे अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय भारत। जेठ महीना तपती गर्मी, जेठ महीना तपती गर्मी। दिन है मंगलवार पवन सुत, सुन लो करुण पुकार पवन सुत, सुन लो करुण पुकार। जेठ महीना तपती गर्मी, जेठ महीना तपती गर्मी। दिन है मंगलवार पवन सुत, सुन लो करुण पुकार पवन सुत, सुन लो करुण पुकार।